अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी आप। धन्यवाद गोपाल जी, माननीय दत्ता जी, श्री राम बहादुर जी, प्रोफेसर राम सिंह जी, गोपाल जी, युक्तिका जी। मैं विषय शुरू करने के पहले एक छोटी तीन छोटी टिप्पणियां करना चाहूंगा। जल अधिकार है, इस विषय पर गोपाल जी एक लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं, वो सच भी है। जल बचाना और संयमित उपयोग करना ये कर्तव्य भी है, ये भी समाज को ध्यान में आएगा तो होगा। आनंद भवन में भोजन करने के बाद गांधी जी हाथ धोने के लिए उठे, नेहरू जी पानी डाल रहे थे, पानी की धारा मोटी थी। गांधी जी ने कहा पतली धारा डालो, पानी खराब हो रहा है। नेहरू जी ने कहा कि ये तो त्रिवेणी की नगरी। गांधी जी ने फिर टोका और कहा अपनी आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करना चोरी है। दूसरी टिप्पणी धर्मपाल जी की है, उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति का मालिक नहीं है, प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति से उतना लेना जितना आवश्यक है और वापिस करना। हम अधिक ले रहे हैं, वापिस नहीं कर रहे, इससे प्रदूषण हो रहा है, इससे जल में कमी हो रही है। और इसलिए ये केवल संरक्षण नहीं है, जल को बचाना सुरक्षित रखना ये ऋण मुक्ति है। और तीसरी टिप्पणी कि जहां जल है प्रचुर है, वहां भी जिसको हम मार्जिनलाइज्ड कह रहे हैं उनको उसके लिए लड़ना पड़ता है। अंबेडकर जी का पहला सत्याग्रह महाड के तालाब में से पानी पीने के अधिकार के लिए। संविधान में जल इसका स्पष्ट अधिकार के रूप में वर्णन नहीं, पर राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, सबके लिए है वो। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि ये जो अधिकार है इसका मतलब केवल एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, वेजिटेटिव एग्जिस्टेंस नहीं है, अ डिसेंट डिग्निफाइड लाइफ है। और इसलिए कोर्ट्स ने ये बार बार कहा है कि पानी मिलना, पीने के लिए साफ ठीक पानी मिलना, पर्याप्त पानी मिलना, जीवन की आवश्यकता भर का पानी मिलना, ये प्रत्येक भारत में रहने वाले केवल नागरिकों का नहीं, ये उसका अधिकार है। और इसलिए आपने ठीक कहा कि डेरिवेटिव राइट है, बट बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस The right to water is now a constitutional right inherent in the right to life. Right to food में भी उसका वर्णन आता है, Easements Act में भी उसका वर्णन आता है। Right to food सार्थक तब होगा जब खाना और पीना दोनों होंगे, और जो पानी मिलेगा वो पानी पीने लायक होगा, अच्छा होगा। और इसलिए मुझे संतोष होता है इस बात से कि चाहे आजादी के इतने सालों बाद हो, पर अब इस केंद्र सरकार ने हर घर में नल पहुंचाने इसको अपने कार्यक्रम में शामिल किया है, इसके लिए पर्याप्त तो फंडिंग दी है, और लोगों को विशेष तौर पर ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं को इसके लिए सारा दिन यात्रा करके केवल पानी लाना ये नहीं करना। पानी शुद्ध रहे इसके लिए पर्यावरण संबंधी कानून बने हैं, पानी का कानून बनाए, उन कानूनों का पालन कराने का प्रयत्न भी हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारत में पानी मौलिक अधिकार है, ये ह्यूमन राइट है। इस ह्यूमन राइट को
कोर्ट में जाके लड़ के प्राप्त किया जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में अब कोई शंका किसी को करनी नहीं चाहिए। दूसरा लोग ये भी मैं चाहता हूं कि या जब हमारे संविधान में ट्रस्टीशिप का इशू है, सरकार भी ओनर, हाँ, तो वो क्या प्राइवेट कर सकते हैं? प्राइवेटाइज जो सरकार इसके राइट्स को ट्रांसफर कर सकती है प्राइवेट या इंडिविजुअल? ये जो प्राइवेटाइज करने वाला विषय है ये बहुत कठिन विषय। आपने जैसा लिखा है पुस्तक में, आईएमएफ ने पानी के लिए जहां भी लोन्स दिए वहां पर दो शर्तें लगाई। एक कि उसका निजीकरण किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। दूसरा, पानी पहुंचाने की फुल कॉस्ट की रिकवरी की जाएगी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है समबॉडी वर्क्स नॉट फॉर फिलेंथ्रोपी बट फॉर प्रॉफिट्स। और पानी जैसी चीज के लिए प्रॉफिट मोटिव से काम करना ये स्वीकार्य नहीं है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन भी स्वीकार्य नहीं। आप जो कह रहे थे उसमें दो इश्यूज हैं। पहला तो कोर्ट ने कहा है कि सरकारें, नगर निगम, ये पानी की मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है। जमीन के नीचे के जो खनिज होते हैं उनकी मालिक सरकारें होती हैं, पानी की नहीं। और खनिज के बारे में भी कहा तो द गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयरफॉर इट हैज एन ऑब्लिगेशन एज द कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आल्सो से टू एंश्योर एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, टू एंश्योर कि ये सबको मिलता है और सबको पर्याप्त मिलता है। इसलिए सरकार उसकी ट्रस्टी है और उसका ऑब्लिगेशन है कि इनका संरक्षण हो और इसका वितरण ऐसा हो कि समाज के हर वर्ग को अधिकार के रूप में ये मिले। पर एक तीसरी बात, अभी जो अयोध्या में रामलला का केस हुआ था वो रामलला नहीं लड़ा था, माने हमारा न्याय शास्त्र मानता है फिर के अंदर भगवान की मूर्ति है, वो एक लीगल पर्सन है, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती, वो अपने हितों के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में मुकदमा लड़ सकती। दो विद्वान जजों ने उत्तराखंड में इस बात पर विचार किया कि क्या ये नियम की मूर्ति जुरिस्टिक पर्सन है, नदियों पर एक्सटेंड किया जा सकता है। उन्होंने गंगा और यमुना के बारे में अध्ययन किया, दोनों को भगवती मानते, दोनों को जागतिक मानते, और एक बहुत अच्छी जजमेंट से उन्होंने होल्ड किया कि गंगा भी और यमुना भी दोनों टूरिस्टिक पर्सन मानी जाएगी। न केवल नदियों के मुख्य प्रवाह, उसके जितनी भी ट्रिब्यूटरीज के प्रवाह है, उसके कारण से रास्ते में पड़ने वाले जो नद हैं, तालाब हैं, वो सब के सब एक टूरिस्टिक पर्सन। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कानपुर में गंगा प्रदूषित होती है टैनरीज के द्वारा, या दिल्ली में गंगा प्रदूषित होती है मल बहाने के द्वारा, तो स्वयं गंगा देवी कोर्ट में इसके खिलाफ जाकर के रिट या मुकदमा कर सकते और कह सकते कि ये नहीं चलेगा, और कोर्ट उनके हितों की रक्षा के लिए बाध्य होगा। तो ये तीसरा भी इस विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भी कहा है, अपने अपनी पुस्तक में इन सब बातों को लिखा है कि पानी ये सबका अधिकार है और इसलिए सरकारों का, निगमों का, सबका कर्तव्य है कि यह पानी सबको प्राप्त हो, इसकी वो योग्य व्यवस्था है। धन्यवाद।